I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Satyan! Satyan! हाँ भैया. All का furniture हमारे bedroom में कैसे पहुँचे? मैंने पहुँचा. क्यों? कीमती furniture था. Hall में पड़ा रहता तो बच्चे खराब कर देते. और वैसे भी modern furniture modern लोगों के लिए होता. What nonsense? Sense की बात सुन लो. वो furniture तुम्हारी मालदार बीवी के मालदार बाप ने हमारे लिए नहीं अपनी बेटी के लिए भेजा था. क्या मेरी बीवी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? अगर लगती तो शाम को मुझे बार बार ये ना कहती फर्नीचर मेरा है, मेरी इजाजत के बगैर मेरे फर्नीचर को कोई हाथ नहीं लगा सकता. झूठ बोलने की भी हद होती है. ये सब मैंने कब कहा था? बड़े घर की लड़कियों की याददाश्त भी बड़ी कमजोर होती है, शाम की बात रात को भूल जाती है. बात करने का अंदाज देखा आपने? ये तो आजकल आपका अंदाज देख. सत्यन, मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं. अगर नीता ने तुम्हें कुछ कहा भी है तो वो तुमसे बड़ी है, तुम्हें से माफी मांगनी चाहिए. भैया अगर मेरी गलती हो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ. क्या बात है सर? बच्चे रेडियो खराब कर रहे थे, नीला ने उन्हें मना किया तो इसने सारा फर्नीचर हमारे कमरे में ठोस दिया. अब नीला से माफी मांगने के बजाय उल्टी सीधी बातें कर रहा है. क्या सत्य, भाभी से माफी मांगने में शर्म महसूस हो रही है क्या? माफी मांगने की बात नहीं है भैया, लेकिन जो औरत अपने आप को हर बात में घर वालों से ऊंचा समझे, अच्छा समझे, वो बहू या भाभी बनने के लायक नहीं. सत्य, हद से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. मैं कहता हूँ नीला से माफी मांगो. माफी तो इसे मांगनी चाहिए मुझसे, अपमान इसने किया है मेरा. किसने किसका अपमान किया है ये मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुझे नीला से माफी मांगनी होगी. भैया आप इसे खुश रखने के लिए इसकी हर बात को माफ कर देते हैं, लेकिन इसे ज्यादा सर पर चढ़ाने का नतीजा अच्छा नहीं होगा. क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये मुझे तुझसे नहीं सीखना है. लेकिन भैया इसकी खुद गर्जी, इसकी तंग दिली से ऐसे लगता है इसका गुजर इस घर में नहीं होगा. माफी मांग लो ना. ये तुम कह रही हो भाभी, तुम तो जानती हो मेरा दोष नहीं. दोषी या निर्दोष, तुम छोटे हो और छोटों का बड़ों से माफी मांगना कभी बुरा नहीं. जाओ नीला से माफी मांग लो. मुझे माफ कर दो भाभी. नवेंद्र माफ करना माँ, आज पहली बार मैंने सत्यन का हाथ उठाया है. न जाने जब से लीला इस घर में आई है इस घर की शांति को क्या हो गया है. कुछ भी हो माँ, अब तो इस घर की बहू है ना. मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि उसकी हर गलती पर पर्दा डाला जाए. मैं कहती हूँ अगर इस चिंगारी को अभी से दबाया ना गया तो ये आग बनकर सारे घर को जला डालेगी. क्या क्या हम अलग नहीं रह सकते? क्या मेरा मतलब, आजकल शादी के बाद सभी अलग रह जाते हैं. तुम भी एक छोटा सा फ्लैट ले लो जहाँ हम दोनों के सिवा और कोई न हो. यह भी तो हम दोनों के सिवा कोई नहीं. नहीं बिच्चू, अपना घर तो अपना घर होता है. जरा सोचो तो, यहाँ न कोई पर्दा न कोई आजादी. इस वक्त भी छोटा बड़ा कोई भी हमारे कमरे में आ सकता है. मुझे तो कपड़े बदलते हुए भी डर लगता है. मुमताज से दरवाजा क्यों नहीं बंद कर लेते? छिपचू, ऐसा अच्छा नहीं लगता. वो लोग क्या सोचेंगे? छोड़ो भी ना अब इन फिजूल बातों को. आज की रात ऐसी बातों के लिए नहीं है. नहीं बीजू, तुम हमेशा इस बात को टाल देते हो. कौन सी बात? नए मकान में जाने की. अच्छा बाबा, जैसा तुम चाहती हो वैसे हो. कौन? मैं अंदर आ सकता हूँ? भाई कौन है? अच्छा जी, बोलो जी बोलो, अब हम कौन हो गए? अरे भाई बैठूंगा नहीं तो क्या करूंगा. सोचा बहुत दिन हो गए तुम्हें याद दिलाऊं. अरे सेठ मुझे सब याद है. अरे भाई तुम्हारे याद रखने से क्या होगा, अब तो देखो बिजू की शादी भी हो गई और भगवान ने चाहा हम बोलो जी बोलो कुछ दिनों में छोकरा भी हो जाएगा. सेठ कालिदास तेरे मुंह में घी चक्कर. बाबू तुमने मेरा मुंह तो भर दिया. हाँ. अब जेब कब भरोगे?
देखो भैया, मैं छोटी छोटी बातों में कचहरी का दरवाजा नहीं खट कर रहा। कचहरी कचहरी लगा रखी है सेठ कालिदास, बड़े अफसोस की बात है। तो बोलो बोलो, कब तक ठहरूं? अरे कब तक क्या, दो मिनट ठहरो, मैं भी आता हूं। अच्छा जी, बिजू बड़े भैया। हाँ भैया, आज 3 तारीख हो गई बिजू, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली? तनख्वाह तो मिल गई है, मगर मैंने सोचा इनकी तनख्वाह मेरे पास रहे तो अच्छा है। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। पति की कमाई पर पहला अधिकार तो पत्नी का होता है। वैसे तो हम दोनों के खाने पीने और रहने का हिसाब बनता है 300 रुपए। इसके अलावा भी अगर आपको पैसों की जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लीजिएगा। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें से तो कहना होगा। मुझे बड़ा अफसोस है, इस महीने मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा। क्या? लेकिन अगले महीने कोई ना कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा, इसका मैं वादा करता हूं। देखो जी, मुझे तुम्हारे वादे की नहीं अपनी रकम की जरूरत है। अगर अगले महीने मुझे मेरी किस्त नहीं मिली तो समझ लेना। हाँ आया, अरे आया आया, थांबा थांबा। ये नीला का घर है ना? जी नहीं। तो फिर किसका घर है? इस घर के मालिक का नाम है नवेंद्र प्रसाद गुप्ता। देखो तुम जानते हो नीला कहाँ रहती है? वो यही रहती है। तो तुम कौन हो? आदमी। वो हम भी देख रहे हैं तुम आदमी हो, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ खड़ा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। और तुम हो कौन? मुझे नौकर समझिए। तो फिर जाओ और नीला से कहो कि उसके मेहमान आ गए हैं। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। हेलो नीला। हेलो, हाय मीना। हाय सुषमा। हाय गीता। अरे बैठो। मैं आपके मेहमानों के लिए कुछ चाय पानी लाऊं? ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच, जल्दी करना। अरे खाओ ना, खाओ। मैं तो पिक्चर नहीं देख सकी, मेरे घर में इतने मेहमान आए थे, मैं तो बिल्कुल तैयार थी, तो इतना गुस्सा आया। ये सब चीजें तुमने बनाई है जी? क्यों, पसंद नहीं आया आपको? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। तो फिर और लीजिए ना। खाना कब से बना रही हो तुम? यही कोई 15-20 साल से। चाय तैयार हो तो भिजवा देना। इससे पहले कहाँ नौकर थी जी? पहले किस घर में काम करती थी? मैं तो शुरू से इसी घर में काम कर रही हूँ। गीता बुला रही। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम? इससे पहले तुम कहाँ काम करती थी? What? अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? What do you mean? I mean what I say. Satyan. अच्छी सहेली है तुम्हारी, बात करने की तमीज तक नहीं। तुम कौन होते हो हमें तमीज सिखाने वाले? ए मैम साहब, जिंदगी में मोम की गुड़िया बन जाने से कुछ नहीं होता, दूसरों के घरों में जाकर किस तरह से बातचीत करनी चाहिए ये भी जानना जरूरी है। Oh, you shut up. अरे you shut up. God. And get out. ये मत भूलो कि ये मेरी सहेलियां हैं। इसलिए तो जुबान से काम ले रहा हूँ। और सुनो, तुम्हारी सहेलियों को भी कोई हक नहीं है कि वो मेरी भाभी को कुक समझो और मेरी बहन को नौकरानी। मैं कहता हूँ इनसे, कह दो कि यहाँ से निकल जाए। वालीला, घर में बुलवा कर खूब गालियां खिलवाई, अच्छी खातिर थी हमारी। ओह माय गॉड, अगर खातिरदारी में कुछ कमी रह गई हो तो पूरी कर दो। सत्यन, अगर ये गई तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। बाय चांस दरवाजा खुला। ठहरा तो सही, मैंने उनके छक्के ना छुड़ा दिए तो मेरा भी नाम बदल देना। लो, एक और नई मुसीबत आ गई। तुमने मुझसे कुछ कहा? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ, मैं एक वक्त पर एक ही दुश्मन का मुकाबला करता हूँ। क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? अरे भगवान,
मैं तो शतरंज की इन मोहरों के बारे में कह रहा था। कौन? बिजू, देखो मैं नीला की माँ हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ हाँ, फौरन, अभी, इसी वक्त। नीला, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा बेटी। सत्यन की गलती का फायदा उठाओ और उस परिवार के जंजाल से निकल भागो। लगता है बेचारे नवेंद्रु की कुंडली में इस साल राहु केतु दोनों आ बैठे हैं। रीना की माँ, नीला के घर में तुम्हारा दखल देना अच्छा नहीं। तुम चुप रहो जी, तुम्हें कितनी बार समझाया है, घर की बातों में दखल मत दिया करो। मैं अपने घर की बात कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो नवेंदु के घर की बात कह रहा था। तुम सिर्फ शतरंज के घर देखो। नीला बेटी, मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊंगी कि तुम भी याद करोगी। आओ मेरे साथ आओ। अब जाने की तो ना दीदी, छोटी मोटी बातों को क्यों बढ़ाती हो। अरे वाह, जिसके मालिक के कमाई का सारा कुंबा पलता है उसे मेहमानों समेत घर से बाहर निकाल दिया और तू कहती छोटी मोटी बात है। इसमें दीदी का भी तो कसूर होगा, कब से दीदी उनके पीछे पड़ी हुई है। तू उनकी वकालत मत कर नीला बेटी, मैं उन्हें सीधा करने का उपाय करती हूँ। आओ मेरे साथ। मुझे भी तो बताती जाओ, तुम्हें कैसे सीधा करना चाहिए। बहू, नवेंदु क्या कर रहा है? वही अपने हिसाब किताब में लगे हुए और क्या। अरे बीजू, तुम लोग अब लौटे हो? हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम आओ और खाना शुरू करें। आओ बैठो, आओ ना बहू, खाना शुरू कर ले। खाना तो क्या, मेरे लिए इस घर का पानी तक पीना हराम है। नहीं बहू, ऐसा नहीं कहती। मैं जानती हूँ सत्यन की बात का तुम्हें बुरा लगा, उसके लिए मैं माफी मांग लेती हूँ। नीला, आज जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने अपनी सहेलियों से माधवी और गीता का ठीक तरह परिचय क्यों नहीं करवाया? रहने दीजिए ना मां जी, बात बढ़ाने से क्या फायदा। जब मुझे कोई शिकायत नहीं तो आप क्यों बुरा मानती हैं? नीलू, थूक दो ना गुस्सा, घर में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। रहने दो ये हमदर्दी, खुद ही आग लगाती हो और खुद ही पानी छिड़कती हो। नीला, नीला सोच समझ कर बात करो, माधवी इस घर की बड़ी बहू है। और मैं तो इस घर की जैसे कुछ भी नहीं। नहीं नीला, तुम भी तो इस घर की बहू हो। नहीं, इस घर की बहू तो वही हो सकती है जो सास के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच सके। मैं पढ़ी लिखी हूँ, माँ और बाप की बेटी हूँ, सोसाइटी में इज्जत रखती हूँ, इसीलिए घर के सब मुझसे जलते हैं, नफरत करते हैं। नीला, नफरत तुझसे नहीं, तेरी जहरीली बातों से करते हैं। तू जरा सोच, तूने गीता को कभी अपने पास बिठाया, सत्यन से दो मीठे बोल बोले, बच्चों को कभी प्यार से गले लगाया? तू कहती है तुझे इस घर में किसी ने बहू नहीं समझा। मैं पूछती हूँ, तूने बहू के नाते कभी माधवी को या मुझे वो इज्जत दी जो तुझे देनी चाहिए थी? इज्जत उन्हीं की होती है जो दूसरों को इज्जत देते हैं, उनकी नहीं जो दूसरों को गले समझते हैं। मैं कहती हूँ चुप हो जा, चुप हो जा नीला। क्यों चुप हो जाऊं? मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो बेजुबान जानवरों की तरह हर जुर्म बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना माधवी का। अगर माधवी जैसे गुण तुझ में होते तो ये दिन ही क्यों देखना पड़ता। ऐसे कौन से गुण है इस गुणवंती में, जरा मैं भी तो सुनूं। तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाना, दिन रात तुम्हारी खुशामत करना, तुम्हारे पैर दबाना, यही ना। जुबान रोक लो नीला, अगर तुम्हें छोटों का पास नहीं है, बड़ों का तो ख्याल करो। जब बड़ों के दिल में छोटों के लिए प्यार ना हो, दया ना हो, तो छोटों के दिल में उनके लिए इज्जत कहाँ से आएगी। नीला, लोग कहते हैं कि सास माँ की जगह होती है, मगर मैं कहती हूँ कि दुनिया की हर सास बहू की दुश्मन होती है, उनका खून की प्यासी होती है। नीला बंद करो ये बकवास, तुम्हारी बातें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी। तुमने इस घर में हर किसी का अपमान किया है, मेरा, मेरे बीवी बच्चों का, मेरे भाई बहनों का, लेकिन मैं चुप रहा। लेकिन आज तुमने मां का अपमान किया है और ये बात मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे बढ़ो और मां के पैर छूकर अपनी बदतमीजी की माफी मांगो। माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं की मैंने। तुमने बहुत बड़ी बात की है नीला, इतनी बड़ी बात इस घर में पहले कभी नहीं।
माँ से माफी मांगो। नहीं, कभी नहीं। नीला, आदमी वही होता है जिसे अपनी भूल का एहसास हो, और तुमने जो भूल की है उसका एक ही प्रायश्चित है, माँ के पांव पड़ो, उससे माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।